कुंदन शाह जी ने लिखी है, तो उनका एक इट्स हिज लास्ट पीस ऑफ वर्क, यू नो, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे इन अक्टूबर व्हेन वी वर शूटिंग, एंड फेब्रुअरी ऑनवर्ड्स वी हैव बीन वर्किंग फॉर विद हिम ऑन द स्क्रिप्ट. और इट्स अ कॉमिक फिल्म, एक फ्री स्पिरिटेड लड़की की कहानी है जो कि अपने लवर को वू करने के लिए, प्यार को पाने के लिए, और उसके साथ क्या क्या फनी इंसिडेंसेस होते हैं. सो दैट्स द व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट, एंड इट्स अ शॉर्ट फिल्म, 25 मिनट की लेंथ है, और यूट्यूब पे आप सब देख सकते हैं. यू नो, एज अ क्रिएटिव पर्सन मैं हमेशा अपने आप को चैलेंज, यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप को चैलेंज करती रहूँ. और सो व्हेन आई हर्ड, व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग, यू नो, इट वाज कम्प्लीटली अ न्यू थिंग फॉर मी, बिकॉज बहुत सारे किरदार बुलबुल निभाती है. कथक डांसर का रोल है, एक सरदार का रोल है, एक ब्लॉन्ड विग पहन के ड्रेसअप होती है. सो आई फाउंड द कैरेक्टर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड कम्प्लीटली अनलाइक मी, बिकॉज मैं जो मैं रियल लाइफ में हूँ वैसी बिल्कुल भी, आई थिंक बुलबुल कम्प्लीटली डिफरेंट है मुझसे, बिकॉज बहुत ही बबली और फ्री स्पिरिटेड लड़की है. सो आई थिंक दैट चैलेंज, यू नो, रियली हेल्प्ड, लाइक चैलेंज वॉज अ मोटिवेशनल फैक्टर फॉर मी टू टेक अप द रोल. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर, बिकॉज यू नो, कॉलेज फेस्ट्स आर लाइक सो फुल ऑफ लाइफ एंड सो फुल ऑफ एनर्जी, एंड ऑल द किड्स इतने सारे पैशन से बच्चे करते हैं, और दिस एक्चुअली इज़ अ स्टेपिंग स्टोन फॉर देम, जो भी वो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं यहाँ से वो शुरुआत हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे वो ड्रीम्स देखते हैं, सपने सोचते हैं. इनफैक्ट मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर था टू मेक माई डायरेक्शनल डायरेक्टोरियल डेब्यू विद द कॉलेज सब्जेक्ट की आरियाँ, एंड कॉलेज लाइफ ने बहुत मुझे इंस्पायर किया है. सो या आई एम हैप्पी टू बी हियर एंड या इनकरेज द फेस्टिवल. मैम, आज जो फिल्म की है स्क्रीनिंग, किनको आप दिखाना चाहेंगे स्क्रीनिंग, मूवी स्पेशल स्क्रीनिंग? जी जी, आज तो सिर्फ हमने प्रेस को इनवाइट किया है और किसी को नहीं बुलवाया, एंड बहुत लास्ट मिनट डिसीजन था. सो या ओनली द मीडिया ट्रायल्स, नो, वी हैव नॉट कॉल्ड एनी इंडस्ट्री राइट नाउ, बट वी हैव द इंडस्ट्री स्क्रीनिंग ऑल्सो, सो वी आर जस्ट फिगरिंग आउट द डेट. सो अभी तो यूट्यूब पे रिलीज कर रहे हैं, और फिर देखेंगे जो उनसे भी फेस्टिवल्स. एक्चुअली इशू ये है कि आप फेस्टिवल्स में तभी भेज सकते हैं, जो मैंने स्टडी किया, अगर आपकी रिलीज ना हुई हो पिक्चर. सो यू नीड टू होल्ड द फिल्म फॉर अ ईयर एंड सेंड इट टू ऑल द फेस्टिवल्स, एंड तब आप रिलीज करो. बट ऑब्वियसली फॉर मी, यू नो, द ऑडियंस इज द वन जो कि सबसे ज़्यादा मैटर करती है, एंड यू नो द फिल्म इज़ फॉर द ऑडियंस. तो या तो इसलिए हम यूट्यूब पर पहले रिलीज कर रहे हैं. आई कैन शेयर अ स्कूल डे, स्कूल ईयर की मेमोरी. व्हेन आई वाज इन थर्ड स्टैंडर्ड, मैं हॉस्टल में थी, और तब वहाँ पे हमने प्लान बनाया था वहाँ से भाग जाने का. सो इन माय थर्ड स्टैंडर्ड आई बंक्ड माय क्लास. सो आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी, दैट्स अ मेमोरी आई कैन नेवर फॉरगेट, बिकॉज जब आप थर्ड स्टैंडर्ड में होते हो जनरली आपका दिमाग आई डोंट थिंक इतना चलता है कि आप बंक करने की सोचो और भागने की सोचो. Yeah, so you know, it's a deep loss, and nothing can fill you know what the void which he's left, and he was such a brilliant actor and such a nice human being, and I think we'll all cherish Shashi ji's work forever and ever. And your next abhi to I'm completely consumed by this, or next mein announce karungi jab I'll be more ready with it. Yeah, my last question, Sanam Begum's sequel date. यारियाँ की और सनमरे दोनों की सीक्वल्स की मुझे बहुत डिमांड आती है, बट आई थिंक जब तक राइट सब्जेक्ट नहीं मिलता तब तक सीक्वल नहीं प्लान कर सकते. स्क्रिप्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मैंने कम्प्लीटली इन्जॉय किया, इनफैक्ट मुझे इतना मज़ा आया कथक सीखने में कि आई एम थिंकिंग ऑफ लाइक लर्निंग मोर ऑफ कथक नाउ, एंड आई वांट टू लर्न मोर वंस दिस फिल्म रिलीजेस, बिकॉज इट्स सच अ नाइस फॉर्म ऑफ आर्ट. How you see the Padmavati? Oh God, please don't. What is your opinion, sir? As artist, what is your opinion? Like, Deepika get the threat chopping off now? I don't want to comment. Do you think political involvement in Bollywood films is the right?
कॉलेज है, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन है, माहौल तो बहुत सही है. जब भी मैं इस तरह की कॉलेज फंक्शंस पे आता हूँ तो मुझे याद आती है जब मैं कॉलेज में था तो कितने बदमाशी की हमने, कितना मज़ा आया. सो आई वुड ऑलवेज इनकरेज स्टूडेंट्स टू हैव अ लॉट ऑफ फन एंड बिकॉज जो कॉलेज के दिन हैं वो वापस नहीं आए. तो ऑलवेज मेक द बेस्ट ऑफ इट एंड हैव अ ग्रेट टाइम. अरे परफॉर्मेंस तो कमाल था एक्चुअली. मैं स्टेज पे जाके गया और बोला भी कि जिस तरह उन लोगों ने कोरियोग्राफ किया और जिस तरह नाचा, it was fantastic. it's amazing to see the young kids today practicing so much. aap kitna active hua karte the apne college mein? are jab main college mein to bahut active tha, is tarah ke functions, festivals mein, dancing, public speaking to bahut maine kiye the. aur isliye main janta hu ki jab वैसे उस मंच पे जाना एक बहुत मुश्किल चीज़ है बिकॉज व्हेन यू आर यंग बहुत नर्वस हो जाता है और डरते हैं. सो टू इनकरेज पीपल टू गो ऑन स्टेज मोर ऑफन एक बहुत अहम है आजकल बिकॉज दे नीड टू गेट दैट कॉन्फिडेंस एंड गेट एंड नॉट बी नर्वस. तो जब मैं करता था, जब हम कॉलेज में थे, आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन. वेल यू स्टिल लुक वेरी मच फिट एंड अरे थैंक यू सो मच. हाउ इज इट सो डिफिकल्ट टू मेंटेन योरसेल्फ? नहीं मुश्किल नहीं है. मेंटेनेंस सब लोग सोचते हैं कि मुश्किल है, अगर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करेंगे और खाना पे ध्यान देंगे तो फिट ही रहेंगे. सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है. वेल शशि कपूर जी का भी रिसेंटली जी, तो आई वुड लव टू, आई मीन वी हैव लॉस्ट अ वेरी हैंडसम हीरो ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री एंड वुड लव टू यू नो माय डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू हिज एंटायर फैमिली. एंड जैसे सब लोग ने कहा कि वी हैव लॉस्ट दिस हैंडसम मैन बट द लेजेंड विल स्टिल लिव ऑन. वेल सिनेमा से काफ़ी दूर हो चुके हैं आप. नहीं बिल्कुल नहीं, वापस आ जाऊँगा मैं. 2018 है एंड आई प्लान समथिंग फॉर मूवीज, एक प्रोड्यूस करूँगा और एक उसमें एक एक्टिंग भी करूँगा. जी एक्चुअली निरंजन आयंगर के साथ मैंने उनकी पहली शॉर्ट फिल्म ऑलरेडी कर चुके हैं एंड इज बींग रिलीज्ड सून. वो ब्लेंडर्स शॉर्ट फिल्म जो है, शॉर्ट फिल्म, तो निरंजन आयंगर के साथ उनकी पहली पिक्चर मैंने उस पर. नहीं यार ये तो पॉलिटिक्स है और मेरा ये मानना है कि द इंडस्ट्री शुड स्टैंड टुगेदर एंड कन्वे टू द पीपल कि बिकॉज किसी ने अभी तक कुछ फिल्म नहीं देखी. यू कांट पास एन ओपिनियन ऑन समथिंग यू डोंट नो. अगर मैं जानता हूँ कि एग्जैक्टली कहानी क्या है तभी बोल सकता हूँ. किसी को कुछ मालूम नहीं कि किस तरह की पिक्चर बनी. सो वी कांट पास जजमेंट अनटिल वी सी इट. तो somebody should see it and then pass judgment. सब सेंसर बोर्ड के हाथ में अभी. तो मैंने भी पिक्चर नहीं देखी सो आई डोंट नो, आई कैन रियली कमेंट, बट इट्स ओनली ऑन द सेंसर बोर्ड नाउ. कहीं ना कहीं सर गलती हुई है फिल्म मेकर से. ये देखो जिस तरह से उन्होंने, कैसे गलती होगी, प्रचार किया फिल्म को लेकर, जिस तरह सीन के लिए, जिस तरह से उन्होंने भार फैलाया, जो है फर्स्ट उनकी तरफ से आया था कि ये क्या कि अलाउद्दीन और इनके पद्मावती के बीच. अच्छा आया था ऐसा कुछ. तो ये सवाल संजय लीला भंसाली को पूछना चाहिए, मुझे नहीं. ये कोई ऐसी फिल्म है जिसे जिसका रीमेक को टॉप करना चाहेंगे, कोई अच्छी फिल्म है, कोई रीमेक, कोई फिल्म हो रीमेक हो तो व्हाट फ्रॉम योर. अरे बहुत सारी पिक्चर्स है जो बहुत अच्छी है जो मेरे ख्याल से टच नहीं करना चाहिए, उनका रीमेक बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए. So I feel you should make new stories, yeah. और अगर कोई पुरानी पिक्चर हो जो ये रीमेक जो है एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है बिकॉज ऑलरेडी अगर किसी ने इस्टेब्लिश किया और एक बहुत अच्छी पिक्चर बनाया है देन मे बी टेक इंसिडेंट्स ऑफ दोज फिल्म एंड ट्राई मेक अ न्यू स्टोरी. बट टू रीमेक समथिंग हमेशा आपके सर पर वो बर्डन लगेगा कि यार वो जो बनी हुई थी, कैन आई मेक इट बेटर देन दैट. It always becomes a tough proposition. Do you miss your days when you used to be in Bollywood? And of course, I miss it. इसलिए मैं वापस लौट रहा हूँ बहुत जल्दी. You know, college, अभी आप college पर्चन में तो what message you want to give to students? To have fun, enjoy. क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, एक ही है, और ये जो दिन है वापस आना बहुत मुश्किल है, नहीं तो नहीं आएगा. तो इसलिए enjoy, जितना आप enjoy कर सकते हो enjoy, मगर studies पे focus करना है. आई वुड लाइक टू विश ऑल द बेस्ट क्योंकि टैलेंट है उसमें एंड शी सेंडिंग मी द लिंक टुमारो. तो बुलबुल देखूंगा ज़रूर
and I wish you all the best. Thank you. Favorite sports person? कहाँ इंडिया में बाहर का विदेश का अरे बहुत माइकल जॉर्डन जो मेरा जो बास्केटबॉल एक खिलाड़ी है वो मेरा सबसे फेवरेट था अभी फुटबॉलर्स बहुत सारे क्रिकेटर्स भी बहुत सारे आई लाइक लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज करना सिंपल सी बात है टिप्स मतलब अगर आप किसी के पास समय ही नहीं है गो फॉर अ रन गो फॉर अ जॉग नहीं तो घर पे पुशअप्स कर सकते पुलअप्स कर सकते बैठक कर सकते कुछ भी कर सकते मगर पहला ये सब बदलना चाहिए यू हैव टू मेक अप योर माइंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सो बुलबुल 7 दिसंबर को रिलीज हो रही है यूट्यूब पर 25 मिनट की है कुंदन शाह सर जी ने लिखी है और इट्स अ ट्रिब्यूट टू हिम ऑल्सो बिकॉज इट वॉज सो अनफॉर्चुनेट कि जब हम शूटिंग कर रहे थे बुलबुल की तब यू नो ही पास्ड अवे सडनली इन अक्टूबर सो एंड अदरवाइज इट्स अ कॉमिक फिल्म एक लड़की जो अपने प्यार को पाने के लिए दुनिया भर के ड्रामे करती है उसकी कहानी है और या कॉमेडी है फन है सो आई एम श्योर आप लोग इन्जॉय करेंगे सो वो बेसिकली लड़के के लिए कर रही है जिस लड़के से प्यार करती है उसको पाने के लिए हर तरह का नाटक करती है कभी सरदार बनती है कभी एक लड़का बनती है कभी ब्लॉन्ड विग लगाकर आ जाती है तो डिफरेंट डिफरेंट यू नो तरीके अपनाती है कि कैसे मैं इसको पा सकूँ और अपने प्यार का इजहार कर सकूँ यहाँ पे वो अपने लवर को अपने प्यार का इजहार कर रही है आई लव यू के बोर्ड से देखिए शॉर्ट फिल्म की है बट ऑलमोस्ट फिल्म की तरह ही शूट कर रही है जब आप देखेंगे भी तो पिक्चर ऐसे लगेगा कि एक बिग फिल्म देख रहे हैं बट आई थिंक शॉर्ट फिल्म मेरे असिस्टेंट ये पिक्चर मेरे असिस्टेंट आशीष पांडा ने डायरेक्ट की है सो यू नो बहुत ही अच्छा मीडियम है बिकॉज डिजिटली आजकल थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया हैज़ कम सो क्लोज टू ईच अदर एंड like you can just like enter in the industry aap ek short film bana sakte hain aur uske agar aapka picture appreciate hoga to aapka talent notice kiya jayega and it's a great medium for you to enter the industry so I think is type ke mediums ko encouragement deni chahiye taki zyada se zyada talent seep in ho sake industry mein jab aap padhte ho to kya sochte hain aap jaate main to sirf apna heart dekhti hu ki agar mujhe interesting lagti hai to I say yes otherwise no so it's just like my heart for bulbul yeah bulbul ki screenings I'll be keeping so we are just going to be sending the invites today for the screening thank you